सरस्वती साहित्य संगम की ओर से कुल 5 पुरस्कार दिए जा रहे हैं। आदरणीय गुरुदेव मुखराम जी माकड़ माहिर के याद में, उनकी स्मृति में दिया जाने वाला जो पुरस्कार है वो साहित्य की किसी भी कला में दिया जाता है। दूसरा पुरस्कार है श्रीमती चंद्रदेवी सोहनलाल सोनी जी की याद में, उनकी याद में ये जो पुरस्कार है वो केवल हास्य व्यंग्य रचनाकारों को दिया जाता है। तीसरा जो पुरस्कार है वो श्रीमती उषा देवी लालचंद सोनी की स्मृति में दिया जाता है, यह पुरस्कार काव्य श्रेणी में दिया जाता है। चौथा जो पुरस्कार है वो स्वर्गीय अनिल कुमार पटीर की याद में दिया जाता है और यह पुरस्कार गज़ल की श्रेणी में दिया जाता है, गज़लकारों को दिया जाता है। और अंतिम जो पुरस्कार है हमारा वह सुखदेव सिंह सुखिया की स्मृति में, उनकी याद में दिया जाता है, जो कि कहानीकार और उपन्यासकारों को दिया जाता है। जो प्रथम पुरस्कार है वह इस बार यानी कि 2023 का जो पुरस्कार है वो 29 जनवरी को दिया जाएगा। आदरणीय मुखराम जी का जो पुरस्कार है वो जो लेखिका है प्रेमलता मुरार दिल्ली की, उनके कहानी संग्रह को दिया जा रहा है जिसका नाम है शाह रातों के बाद। दूसरा पुरस्कार जो व्यंग्य की श्रेणी में दिया जाता है वो आदरणीय नंद किशोर सोमाणी जी को दिया जा रहा है, जिनका व्यंग्य पुस्तक है उधार का दर्शन शास्त्र। तीसरा पुरस्कार जो कि श्रीमती उषा देवी लालचंद सोनी की स्मृति में दिया जा रहा है वह काव्य श्रेणी में है और वो बिहार के अभय सिन्हा जी को दिया जा रहा है, जिनकी काव्य रचना है लोकतंत्र छुट्टी पर है। चौथा जो पुरस्कार अनिल कुमार पटीर जी की याद में है वह गज़लकार रेणु वर्मा जी को दिया जा रहा है, जो कि जोधपुर से हैं और उनके गज़ल संग्रह का नाम है कैफियत। और अंतिम पुरस्कार कर्तव्य पथ को दिया जा रहा है, जिनके रचनाकार है डॉक्टर अखिलेश पालरिया और उनकी कहानी संग्रह को ये पुरस्कार दिया जा रहा है। गत वर्ष जो हमने पुरस्कार दिए थे वह कहानी संग्रह ज्योति के लिए आदरणीय राजू सारसर राज को दिया गया और एक उपन्यास था द डार्केस्ट डेस्टिनी, उसके लिए दिल्ली की रचनाकार थी, उपन्यास था उनका ये दोनों पुरस्कार जो है वो सुखदेव सिंह सुखिया स्मृति पुरस्कार दिए गए थे। और मुखराम जी का जो पुरस्कार था गत वर्ष वह दिया गया था दयाराम जी वर्मा, उनके उपन्यास का नाम था सियांग के उस पार। और सोनू लोहमरोड़ चूरू से, उनकी काव्य जो संकलन था उसके लिए उनको श्रीमती उषा देवी लालचंद साहित्य पुरस्कार दिया गया था। और हरियाणा के हास्य काव्यकार हलचल हरियाणवी जी को श्रीमती चंद्र देवी सोहन लाल सोनी पुरस्कार दिया गया था। और इस वर्ष का जो सरस्वती साहित्य संगम की ओर से पुरस्कार दिए जा रहे हैं वह कार्यक्रम 29 जनवरी को रविवार के दिन गुरु जम्बेश्वर पीजी महाविद्यालय में रावसर में दिया जाएगा। इसकी अध्यक्षता श्रीमान रूप सिंह जी राजपुरी जी करेंगे और इसके जो मुख्य अतिथि हैं वह बहुत महान साहित्यकार रामस्वरूप जी किसान हैं, वे इसकी मुख्य अतिथि रहेंगे। और यह कार्यक्रम सुबह 11 बजे से प्रारंभ होगा गुरु जम्बेश्वर कॉलेज में। इसको देखने के लिए आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। साहित्य संगम की तरफ से मैं कोषाध्यक्ष के रूप में अपनी सेवाएं दे रहा हूं और माता पिता के नाम का जो पुरस्कार है उधार का दर्शन शास्त्र, ये नंद किशोर जी सोमाणी है, उनको दिया जाना है। तो हम प्रत्येक साहित्यकार को जो सम्मान के लिए हमारे पास पधार रहे हैं उनको हम 5100 रुपये नगद, एक शॉल, श्रीफल, प्रशस्ति पत्र और ये चीज़ें हम उनको प्रदान करेंगे। धन्यवाद।